हेलो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो दैट वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर सिक्स टिश्यूज और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यूज तो सबसे पहले हम ये सोचे कि एनिमल टिश्यूज का क्या रोल है और एनिमल टिश्यूज़ के क्या टाइप्स हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और ये टिशू का क्यों इम्पॉर्टेंट है तो आपको पता है एज़ यू ऑल नो दैट एनिमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ द मोमेंट वो उनका जो पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो मोमेंट है ग्रोथ भी उनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर ग्रोथ भी होती है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू द रीजन और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसके लिए उनके स्पेशल ऑर्गन्स बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम उनके अंदर होते हैं तो इन सब की फॉर्मेशन के लिए टिश्यूज का एक बहुत बड़ा रोल होता है एनिमल टिश्यूज़ का एक और बात हम समझ सकते हैं कि वो मेंटेन करते हैं एनर्जी इन द एनिमल्स वो एनिमल्स में एनर्जी के मेंटेनेंस से भी रिलेटेड फंक्शंस करते हैं तो बहुत सारे फंक्शंस हैं फॉर uh, एग्जांपल हम देखते हैं कि व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मोमेंट ऑफ आर चेस्ट अगर हम बैठे हुए हैं और हम जब सांस ले रहे हैं तो हम हमारी चेस्ट कैविटी में फील कर सकते हैं कि कुछ एक्सपेंशन होता है लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके पीछे भी जो टिश्यूज़ हैं वो हैं मस्कुलर टिश्यूज़ और ड्यूरिंग द ब्रीथिंग वी इन्ल ऑक्सीजन विद द एयर हवा के साथ ऑक्सीजन हम बहुत सारा अंदर फिल कर लेते हैं और दिस ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी सेल्स और हर सेल के पास में ये ब्लड की हेल्प से पहुंच जाता है और जब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करता है तो इट हेल्प इन द सेल रेस्पिरेशन वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि फूड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और हमारे को नया प्रोडक्ट देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि यूटिलाइज होता है एज अ ए एनर्जी सी टू जो है वापस से रिलीज हो जाती है लंग्स से बाहर निकल जाती है ब्रीथिंग की हेल्प से तो आपने देखा कि कुछ एक एक मोमेंट या एक एक्टिविटी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग से रिलेटेड है तो उसमें कितने सारे टिश्यूज़ का और सेल्स का एक रोल यहाँ पर दिखता है तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ और वो ये इस तरह से हैं सो लुक एट लुक एट दिस चार्ट दिस इज द एनिमल टिश्यूज़ चार्ट there are four types of animal tissues are mentioned here one is epithelial tissues second is muscular tissues connective tissue and nerve tissue in this chapter we will study about epithelial tissues which are squamous cuboidal columnar ciliated and glandular we will study in detail about them today वन मोर कैटेगरी इज़ मस्कुलर टिश्यूज़ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी दीज आर वॉलेंट्री मसल्स जो हमारे कंट्रोल में रहती है हमारी इच्छा से हम उनका मूवमेंट कर सकते हैं कुछ मसल्स ऐसी होती है जिन्हें हम इन वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं स्मूथ मसल्स होती हैं और जो हार्ट रीजन में मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल्स बोला जाता है इनके बारे में भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे एक है कनेक्टिव टिश्यू जैसा मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में फ्लो करता है तो ये फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू इसको शॉर्ट में एफ सी टी हम नाम देंगे और कुछ हार्ड पार्ट भी है जैसे बोन और कार्टिलेज है तो इन्हें हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर है हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ एक और कैटेगरी है कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम एरियोलर एडिपोज लिगामेंट्स और टेंडेंस के बारे में पढ़ते हैं और जब लास्ट टॉपिक होगा इस आ, चैप्टर का वो है नर्व टिश्यू या नर्वस टिश्यू जिनमें हम डिफरेंट टाइप की नर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम शुरुआत करते हैं पहले एपिथिलियल टिश्यूज से सो फर्स्ट टिश्यू इज

अगर हम बात करें तो जैसे चेस्ट कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी है इन सब में भी ऑर्गन्स होते हैं तो उनकी लाइनिंग्स जो हैं वो एपीथीलियल टिश्यूज से बनती है दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट्स यहाँ की जो सेल्स हैं टिश्यूज एपीथीलियल सेल्स की वो बहुत ही आपस में ऐसी अटैच्ड होती हैं जुड़ी रहती हैं कि उनमें कोई गैप नहीं होता है देर इज़ नो गैप इन बिटवीन दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स एंड फंक्शंस दे आर ऑफ फाइव टाइप्स तो लेट इज स्टडी वन बाई वन द फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यूज स्क्वेमस एपीथीलियम टिशूज थिन फ्लैट सेल से बनी हुई होती हैं विच आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड द मीनिंग ऑफ स्क्वैमा से बना हुआ वर्ड है ये स्क्वैमा का मतलब होता है स्केल आपके स्किन पर जो स्केल्स दिखते हैं वो स्क्वैमस टिश्यूज़ के कारण ही दिखते हैं दे आर प्रजेंट इन द लाइनिंग ऑफ माउथ हमारे माउथ की इनर लाइनिंग ईसोफेगस वहाँ की लाइनिंग में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ होती हैं फेरिंग्स में भी ये होती है एंड दे आर ऑल्सो प्रजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ एल व्योली इन द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स ऑल्सो सो दे परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस बाय देयर शेप्स प्रोटेक्शन फ्राम द एनी मैकेनिकल इंजुरी एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारी बॉडी के अंदर स्किन से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाता है वायरस फंगस ये हमारी स्किन के ऊपर ही रह जाते हैं अंदर बॉडी के अंदर नहीं एंटर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्क्वेमस एपीथीलियम अब दूसरा टाइप आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ जैसा कि इसका नेम है इसकी सेल्स क्यूब लाइक सेल्स होती हैं आप देख सकते हैं डाइग्राम के अंदर एंड दे आर फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स सेलिवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स तो इनका फंक्शन भी यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन है they help in absorption secretion work and excretion जो waste products बाहर निकालते हैं body से तो वो यहाँ पर है sweat gland है जिससे पसीना बाहर निकलता है और kidney से भी urine वगैरह form होता है तो ये सब excretion work में भी help करती हैं third type है columnar epithelium tissues columnar word जो है वो column से बना हुआ है जिसको pillar कहते हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो पिलर लाइक सेल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक लाइनिंग एंड इंटेस्टाइन लाइनिंग वहाँ पर ये मिलती है और इसके भी कुछ कॉलमनर uh, एपिथीलियम जो है वो सिलियेटेड भी होती है जो हम इसके बाद वाली में पढ़ते हैं देयर फंक्शन इज एब्जॉर्बशन एंड सिक्रेशन नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड एपिथीलियम टिश्यूज़ एज आई टोल्ड यू बिफोर कि कॉलुमनर एपिथेलियम या कॉलुमनर एपिथेलियम टिशूज़ में सीलिया अगर होते हैं दे आर हैविंग सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सो दीज आर कॉल्ड सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ ऐसे ही क्यूबॉइडल भी होती हैं जिनमें कि सीलियाज होते हैं दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया किडनी ट्यूबल्स यहाँ पर ये प्रजेंट होती हैं एंड इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन सीलियाज़ का उनकी हेल्प से द हेल्प इन राइडेमिक मूवमेंट ऑफ सीलिया विच हेल्प इन मूव द मटीरियल इन वन डायरेक्शन और कोई भी जो मटीरियल है हमारा वो सपोज किडनी ट्यूबल्स में है तो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है तो वन डायरेक्शन उसका रहता है नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यूज़ ये जो कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यूज़ हैं उन्हीं का मॉडिफाइड फॉर्म है यानी ये लार्ज सेल्स बन जाती हैं और दे फॉर्म अ ग्लैंड जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम में एपिथेलियल टिश्यूज़ आर फोल्ड इनवर्ट्स ये अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं एंड फॉर्म द मल्टी सेलुलर ग्लैंड देयर फंक्शन इज वेरी कॉमन दैट इज सिक्रेशन फंक्शन हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंडस हैं पिट्यूशरी ग्लैंडस है एड्रेनल ग्लैंड है, है और भी जेनिटल ग्लैंड हमारी बॉडी में हैं तो ये सब जो है इसी उसकी लाइनिंग जो है वो ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यूज से बनती है दे आर प्रेजेंट इन स्वेट ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड ऑल्सो सो दैट वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट एपीथीलियल टिश्यूज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टिश्यू और नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिशूज़ आर लूजली पैक्ड इसका मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की सेल्स हैं वो काफ़ी लूजली पैक्ड हैं उनमें गैप्स हो सकते हैं और उस गैप के बीच में इंटर सेलुलर मैट्रिक्स या मटेरियल प्रेजेंट होता है तो सेल्स उन्हीं में एम्बेडेड रहती हैं स्प्रेड रहती हैं द फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू हम ये समझेंगे कि दीज कनेक्टिव टिश्यूज आर हैविंग टू और थ्री कैटेगरीज अगर ये बिल्कुल सॉलिड हैं तो इन्हें हम डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं ये फ्लूड फॉर्म में होते हैं तो इन्हें है फ्लूड या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं जिसका एग्ज़ाम्पल ब्लड लिम्फ और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हार्ड हैं दे आर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़ है जैसे बोन है और हम देख सकते हैं कि कार्टिलेज है ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टिश्यूज़ अपने डेंस कनेक्टिव टिशूज़ में आते हैं और कुछ प्रॉपर कनेक्टिव टिशूज़ भी हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर बॉडी लाइक एरोलर टिशूज़ हैं इसके बाद एडिपोज टिशूज़ हैं जो कि फिलर और कैप वगैरह फिल करते हैं तो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट वन इज़ द फ्लूड कनेक्टिव टिशू ब्लड बच्चों अपने ब्लड के बारे में जानते हैं कि जब हम कभी कि कट लग जाता है तो हमारी बॉडी से एक रेड कलर का फ्लू निकलता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं ये ब्लड रेड क्यों होता है वाई इट इज रेड तो ऑब्वियसली वी नो द आंसर बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन यस यू आर राइट हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट दैट इज प्रजेंट इन अवर ब्लड एंड हेल्प इन कैरिंग द ऑक्सीजन विद इट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है बट वी शुड नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन दिस क्लास दैट ब्लड इज कम्पोज ऑफ अ लिक्विड पार्ट इज प्लाज्मा और इस प्लाज्मा लिक्विड पार्ट के अंदर ही ये आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज प्लेटलेट्स ये सब उसके अंदर एमिडेड होते हैं स्प्रेड होते हैं तो व्हाट इज़ प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा इज येलोइश कलर्ड स्ट्रॉ कलर का एक मटेरियल है विच इज़ कंटेंस प्रोटीन्स सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं तो एक्चुअली इन्हीं को ट्रांसपोर्ट करता है वो जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में सॉल्ट्स वगैरह मूव करते हैं वो प्लाज्मा में ही मूव करते हैं हार्मोन्स हैं प्रोटीन्स हैं तो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मटेरियल्स इसके बाद आता है आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड कार्पिसल्स बोलते हैं और एरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इनका शेप होता है बाई कॉन्केव शेप और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो आर बी सी सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस एबसेंट होता है मैच्योर्ड आर बी सीज आर विदाउट न्यूक्लियस ऑफकोर्स इन यंग आरबीसी में न्यूक्लियस इनिशियली होता है बट वैन मैच्योरिटी कम्स इन द सेल्स दैट टाइम न्यूक्लियस डिस हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी द अनदर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड आर कॉल्ड डब्ल्यू बी सीज डब्ल्यू बी सीज जो होती हैं वाइट ब्लड कार्पिसल्स हैं इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं दे हैवेल डिफाइंड न्यूक्लियस दीज आर कलर क्योंकि इनमें हिमोग्लोबिन नहीं होता है एंड दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन्स इनमें दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं और कुछ अग्रैनुलोसाइट्स होती हैं मीन्स जो डब्ल्यू बी सीज है वो बेसिकली फाइव टाइप्स की होती हैं जिसमें ग्रैनुलोसाइट्स में, में बेसोफिल्स ईसिनोफिल्स न्यूट्रोफिल्स आती हैं और जो अग्रैनुलोसाइट्स है उसमें लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आती हैं द अनदर पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लेटलेट्स ये प्लेटलेट्स जो होती हैं दे आर वेरी स्मॉल एंड वेरी इरेगुलर इन शेप बॉडीज इनकी जो बॉडी शेप है वो रेगुलर नहीं है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दे प्ले द हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जब हमारे कभी इंटरनल इंजरी हो जाती है तो ब्लड को क्लॉट करने में ये प्लेटलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपने सुना होगा कि व्हेन द डेंगू फीवर इज अफेक्टेड द पेशेंट दैट टाइम द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज तो इसका मतलब प्लेटलेट्स हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और प्लेटलेट्स फाइट करती है अगेंस्ट दिस वो क्लॉटिंग को हेल्प करती है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं और प्रोटेक्ट करती है हमें वायरस के अगेंस्ट में तो वन मोर थिंग फंक्शंस ऑफ ब्लड अब इसको ओवरऑल हम फंक्शन देख लेते हैं कि जो ब्लड है उसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ आ रहा है इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस इट गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड तो क्या हुआ digested food? Food है हुआ डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज जिसको ये हर सेल के पास पहुँचा देती हैं एंड हॉर्मोन्स जो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के मेंटेनेंस uh, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड से होता है एंड ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रिएट करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स में जैसे यूरिक uh, यूरिक एसिड है और हमारा यूरिया है जो हमारे यूरिन से बाहर जाता है और भी गैसेस प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं चिल्ड्रंस नाउ सी द अनदर पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज लिम्फ ये भी एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है इट इज नॉट मैंशन इन यूर एनसीआरटी बट इट इज द एक्स्ट्रा थिंग वी शुड लर्न अबाउट इट फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा विच कंटेन्स डब्ल्यू बी सी उसे हम लिम्फ कहते हैं इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्री रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम टिश्यू फ्लूड टू द ब्लड and one more important functions uh, that is wbc's are present here which help to kill the microorganisms which cause uh, diseases so that was the uh, fluid connective tissues the next connective tissue is we are going to study about it bone now we are studying about the dense connective tissues the first one is bone बॉन का मतलब हड्डियाँ दीज आर ऑल्सो द टिश्यूज दीज आर द सेल्स एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स जब हम बॉन को देखते हैं तो बॉन बहुत हार्ड होती है, हड्डियाँ बहुत हार्ड होती हैं बिकॉज दे आर कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंडस क्योंकि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्स के क्या एग्जाम्पल हैं तो बच्चों आपको सरप्राइज होगा अवर टीथ्स आर ऑल्सो बॉन ये टीथ भी हमारे बॉन ही हैं और सबसे लॉन्गेस्ट बॉन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो थाई बॉन है जिसको फीमर कहा जाता है वो सबसे लंबी और स्ट्रॉन्ग बॉन है तो बॉन्स जो है वो दे आर पॉरस टिश्यूज़ ये पोरस होती हैं दे आर पॉरस का मतलब इनमें छोटे छोटे से फाइन गैप्स होते हैं और छेद होते हैं जिनसे कि मटीरियल्स इन एंड आउट हो सकता है फॉर्मेशंस होती हैं इसके अंदर सेल्स आर नेम्ड ऑस्टियोसाइट्स, जो सेल्स बॉन में प्रेजेंट होती हैं देयर नेम इज़ ऑस्टियोसाइट्स। और बॉन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वह है स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सीबल बोन स्ट्रांग होती है नॉन फ्लैक्सीबल हम उसको मोड़ नहीं सकते और हार्ड होती है नाओ को सम फंक्शंस आर देयर हमारी जो बॉडी का फ्रेमवर्क है दैट इज़ द कॉल्ड स्केलेटन हमारी बॉडी का जो स्केलेटन बनता है वो बॉन्स के फॉर्मेशन से ही बनता है दे फॉर्म फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट्स द बॉडी ये हमें स्टैंडिंग करने में सिटिंग करने में बैलेंस बनाने में हेल्प करता है एट ऑल्सो आइंशोर्स द मसल्स एंड प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे आपको रिब कैच का एग्जाम्पल लें रिब कैच के अंदर हमारे लंग्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं और एक और एग्जाम्पल है हमारा स्कल हमारे स्कल में हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज विच हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स ये दूसरा एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है जिसमें सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस uh, होती है मैट्रिक्स होता है दे आर कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर एंड नॉन पॉरस इन नेचर जिस तरह से हमने बॉन् में देखा था कि दीज वर पॉरस तो ये नॉन पॉरस होती है एंड द फंक्शन इज स्मूथंस बॉन्स सरफेसेज एट जॉइंट्स जहाँ पर दो बॉन्स जॉइंट बनाती हैं उस जगह पर एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है उसको उनके मूमेंट में हेल्प करता है दे आर प्रजेंट इन आर ईयर हमारे ईयर के अंदर ये प्रेजेंट हैं नोज़ लेरिंग्स एंड ट्रेकिया आर द ऑर्गन्स वेर वी कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेज। एपिक्लाटिस ये भी इसका एग्जाम्पल है नोज का जो सेप्टम पार्ट है जहाँ पर हम लेफ़्ट और नाइट राइट नोस्ट्रिल्स के बीच में जो हल्की सी बॉन होती है इसको भी हम कार्टिलिज ही है और वी कैन फोल्ड द ईयर्स अपने कानों को भी फोल्ड कर सकते हैं बिकॉज दीज आर कार्टिलेज नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है जिसका एग्जाम्पल है एरोलर टिश्यूज़ द सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड द मैट्रिक्स कंटेन्स फाइबर्स एंड मैक्रोफेजेस ये एरोलर टिश्यूज़ जो हैं ये बहुत ही लूजली पैक्ड सेल्स के बने होते हैं जिससे कि ये पैकेजिंग एंड सपोर्ट में हेल्प करते हैं और इनके मैट्रिक्स में कुछ फाइबर्स और मैक्रोफेजेस जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं मैक्रोफेजेस जो हैं वो आ, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गैप को फिल करती है फंक्शन इनका फंक्शन है पैकेजिंग एंड सपोर्टिंग टू द टिश्यू एंड सेकेंड इज रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़ ये टिश्यूज़ की रिपेयर में भी हेल्प करती हैं एंड जॉइन स्किन टू मसल्स हमारी स्किन के अंडर नीचे जो मसल्स होती हैं उनको ज्वाइन करने में भी ये एरोलर टिश्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं द अनदर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू इज हियर एडिपोज टिश्यूज़ दीज आर राउंड सेल्स ये राउंड सेल्स हैं जो कि फैट ग्लोबल से भरी हुई हैं इनके अंदर फैट्स स्ट्रक्चर्स होती हैं फैट होता है और इनका फंक्शन भी यहाँ पर स्टोरिंग ऑफ फैट्स ही है इनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि दे स्टोर्स फैट्स हमारी बॉडी में फूड के अंदर जो भी फैट मटेरियल आता है उसको स्टोर करती हैं ये और दे एक्ट एज इंसुलेटर ये हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर का फंक्शन भी करती है ये रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम बॉडी हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होता है उसको कम कर देती है और इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस एडीपोस्ट इशूज़ इज़ कंसिडर एज दे आर शॉक एब्जॉर्बर लाइक कुशन ये कुशन की तरह हमारे डेलीकेट ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे किडनी है उनके आसपास एक क्वेशन जैसा प्रोवाइड करती है जिससे उनको uh, जब हमारी बॉडी मूवमेंट करती है सपोज़ हम कोई गेम uh, एक्टिविटी के अंदर रनिंग कर रहे हैं जंपिंग कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गनस को कोई नुकसान नहीं होता है दे एब्ज़ॉर्ब द शॉक्स ये शॉक्स को एब्जॉर्व कर लेती हैं तो इस तरह से हमने अभी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और टेंडेंस और लिगामेंट्स के बारे में जो है वो हम अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सी द डिफरेंसेस बिटवीन टू मोर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ विच आर टेंडेंस एंड लिगामेंट्स वट इज़ द टेंडेंट ट आर द टिश्यूज विद ज्वाइन मसल्स टू बॉन्स ये सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि टेंडेंस जो होते हैं वो मसल्स uh, को बॉन्स से कनेक्ट करते हैं वेर एज लिगामेंट्स जॉइंट द बॉन्स टू बॉन्स ये दो बॉन्स को कनेक्ट करते हैं और वर्स्ट डिफरेंस है इट इज स्ट्रोंग एंड नॉन नॉन फ्लैक्सीबल टेंडेंस जो होते हैं वो थोड़े से स्टफ होते हैं और फ्लैक्सीबल नहीं होते और स्ट्रोंग होते हैं वेर एज लिगामेंट्स आर फ्लैक्सीबल ये फ्लैक्सीबल होते हैं जैसे हमारे नी uh, जॉइंट के अंदर आप देख सकते हैं एल्बो जॉइंट्स में देख सकते हैं वी कैन मूव अवर हैंड्स प्रॉपरली जो एल्बो जॉइंट होता है वहाँ पर लिगामेंट्स हेल्प uh, करते हैं हमारे हैंड को मूव करने में वैसे ही हम अपने नी जॉइंट के अंदर अंडर अंडर लैग को हम मूव कर सकते हैं देख सकते हैं आप। तो ये फ्लैक्सीबिलिटी है और दे आर इलास्टिक ऑल्सो एंड थर्ड डिफरेंस इज़ ऑल्सो हीयर दे आर मेडअप ऑफ वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू ये जो है टेंडस जो है वाइट फाइब्रस टिश्यूज से बनते हैं वेयर एज लिगामेंट्स आर हैविंग लेस वाइट फाइबरस एंड मोर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज आर दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिट्वीन दीज टू स्ट्रक्चर्स नाउ सी दिक्चर ऑफ द टेंडेंस एंड लिगामेंट्स लेट सी द Let's see the picture, tendons and ligaments, how they are attached with the bones. You have to draw this label diagram of attachment of tendons and ligaments along with your notes. And I hope these two parts of the animal tissues first, we have studied epithelial tissues and connective tissues are very well understood by you. In our next lecture, we will study about our Muscular tissues and nervous tissues. So, prepare notes from this video and thank you.